इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका हमसे कह रहा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया है। अब कहाँ से फेंका गया है? पहली बात सुन लो कि उसने वेलोसिटी भी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर को फेंका गया। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आप छत पर खड़े हो बहुत ऊंची बिल्डिंग की, और वहाँ से आपने ऊपर को फेंकी है 20 मीटर पर सेकेंड से। हमसे कह रहा है द पॉइंट ऑफ द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो बिल्डिंग है आपकी, जिस हाइट से आपने बॉल को ऊपर फेंका है, वो 25 मीटर ऊपर था। तो इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट आपको पता 25 मीटर है, ठीक है। हमसे कह रहा हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितना ऊपर तक जाएगी। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस पूछ रहा है कितना हुआ। दूसरा पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, ये कितनी देर तक हवा में रहेगी ज़मीन को टच करने से पहले, ठीक है। इसको भी निकाल लेंगे, टाइम पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल, इस बॉल के पाथ को बनाओ। तो तीनों चीज़ें बना देंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन लगाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज दैट ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग थोड़ा साइड से बना दो ताकि यहाँ मैं कुछ और कर सकूँ। ये बिल्डिंग है और यहाँ से उसने बॉल को ऊपर की तरफ को फेंका है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? यू कितना हो जाएगा इसका? देखो वेलोसिटी कितनी है, ऊपर को फेंका है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? प्लस का 20, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ को फेंका तो वेलोसिटी 20। लेकिन फेंकने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आगे गिरा, कि ठीक है गिरने दो, लेकिन ऊपर जाकर कहीं तो रुकेगा, कहीं तो ऊपर जाकर रुकेगा। जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल, फाइनल हो जाएगी 0। हम सब पूछ रहा है कि ठीक है, ये आप डिस्प्लेसमेंट कह दो या डिस्टेंस कह दो, क्योंकि ये लीनियर मोशन हो रही है। तो कह रहा है जरा इसको बता दो ये डिस्टेंस कितनी है। तो ठीक है, सपोज दैट ये एस है, ये कितना है? एस है। तो एस बता देंगे, इस कंडीशन में जब ऊपर को फेंका है मैंने, जी की कहाँ को लग रहा होगा? लगातार जी तो नीचे को लग रहा है। जी की वैल्यू कितनी है? वो भी 9.8। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आप 10 ले लोगे, लेकिन नीचे को लग रहा है तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब आप। क्या भाई गिविन दैट, क्योंकि आपको गिविन है यू इज इक्वल टू कितना है? प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड मोशन के लिए है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दो वेलोसिटी दे रखी है, जी दे रखा, आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लगाओ भाई लगाओ, कैसे लगाओगे? आपको था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बराबर होता। वी कितना? 0 है। यू कितना? 20 का स्क्वायर है। 2a कितना? a जी का काम करेगा। जी कितना? माइनस का 10 है, और s आपसे निकलवा रहा है। तो ये माइनस का 400 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 × 10 × s, लेकिन माइनस पहला जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 10 से एक जीरो कट गया, और 2 से 40 जो है 20 बार चला जाएगा। तो s आपके पास आ चुका है 20 मीटर। तो ये हाइट, जिस हाइट तक वो पहुँचेगा अपनी वेलोसिटी 0 कर लेगा, वो 20 मीटर होगी उस टॉप से। तो आपने हाइट निकाल दी, पहला वाला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका, हाउ हाई वो आपने बता दिया। दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते, जिसमें आपसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। जरा इसके लॉजिक को समझ लो। आपने बॉल छत से ऊपर को फेंक दी, ये नीचे को आगे गिरेगी, बिल्कुल नीचे आगे गिरेगी ग्राउंड पर। तो यार जब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, जब आप लगाते हो इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो भी आप लगाते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई से भी लगा लो, उसमें जो h होता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता। डिस्प्लेसमेंट तो नेट होता, नेट का मतलब क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब मेरे यहाँ से पोजिशन को है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका ऊपर को, कहीं को भी फेंका, ये ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ जाकर पहुँचा आप उसको देखते हो। तो जो फेंका हुआ पॉइंट है वो इनिशियल कहलाता है, और जहाँ जाके गिरा वो फाइनल कहलाता है। आपको वही डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपने बिल्डिंग के ऊपर से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंका है, तो ठीक है समझ में आता है कि आपका यू जो है वो प्लस का है, ऊपर की तरफ को है, आपने ऊपर की तरफ को फेंका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर को हुआ? फाइनली ऑब्जेक्ट तो यहाँ ग्राउंड पर आके गिरा। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आके गिरेगा तो भाई आप फाइनल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन है ग्राउंड, इनिशियल पोजीशन क्या है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे को आ गया,
उसकी इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आया है इधर को और आपकी इनिशियल वेलोसिटी की जो मोशन है ना, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट उसके हिसाब से निगेटिव आ जाएगा। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, आपको यू दे रखा प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, जी आपका लगातार नीचे को लग रहा है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हाँ हाँ, तो ये तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में लेंगे, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे को लग रहा है लगातार, इनिशियल के रिस्पेक्ट में जी भी माइनस का आ गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर को थी। डिस्प्लेसमेंट जिसको आप एच कह रहे हो ये भी निगेटिव होगा, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दे रखी है, क्या दे रखा है, क्या कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा 25 दे रखा, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। आपसे पूछ के रहा, आपसे पूछा टाइम बता दे भाई कितना टाइम लगा, तो आपके पास कुछ और भी दे रखा क्या, नहीं लगा दो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, क्या लगाओगे, एच इज इक्वल टू, कलर भी चेंज कर लूँ भाई, क्या है एच इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच क्या है माइनस का, अब वो कितना है वैल्यू जरा देखो, माइनस का 20, माइनस का 25, एच दे रखा माइनस 25, लगा दो 25 माइनस का, U आपको दे रखा था इनिशियली 20, T आपसे पूछ रहा है ठीक है, प्लस हाफ ऐसे रह जाएगा, G आपके पास माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, और T स्क्वायर ये पूछ रहा है, आपसे टाइम निकलवा रहा है, टाइम निकाल दोगे आप, कैसे निकालोगे, ये माइनस का 25 ऐसे रह जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20T, 200 काटोगे तो ये 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5T स्क्वायर। ये जो 2 पावर वाला आपके पास टर्म है माइनस 5t स्क्वायर, इसको आप इधर ले आओ, सबको इधर को ले आओ, तो ये प्लस का 5t स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का 20t हो जाएगा, और ये नंबर माइनस का 25 पहले से इधर था ये 0 हो जाएगा, आप 5 कॉमन ले लो तो ये t हो जाएगा, और 5 4 20 ये भी 4t हो जाएगा, ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसे दो नंबर चूज़ करो, ये फैक्टर वाला क्वेश्चन बन गया, मैथमेटिक्स लग गई यहाँ पे, आप ऐसे दो नंबर चूज़ करो, मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 5, है ना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 5, नक्शा काटा 4 बरादरी, मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए, लेकिन अगर उन्हें माइनस कर दें तो आ जाए 4, तो ये 5 बन्स 5, 5 × 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 निकालोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, चाहे करके देख लेना भाई, ये वही है, सॉल्व कर दिया, इन दोनों में से टी कॉमन ले लो, इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन नहीं है, टी कॉमन लेंगे तो ये जगह टी माइनस के 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, ये टी माइनस के 5 पहले से रखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से टी माइनस का 5 फिर से कॉमन ले लेना, यहाँ से हो जाएगा टी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ को पहले, अब देखो इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो 0 तभी आएगा इन दोनों में से, या तो कोई एक टर्म 0 हो तभी 0 हो सकता, तो हम कहेंगे इफ अगर t माइनस 5 0 के बराबर हुआ तो क्या होगा, तो t तब जो होगा 5 सेकंड के बराबर आ जाएगा, हम कहेंगे एंड इफ, और अगर ऐसा हो गया कि t प्लस का 1 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, तब t की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी, जो कभी भी नहीं हो सकती, टाइम निगेटिव नहीं होता, टाइम स्केलर है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारे पास t कितना निकल कर आ गया, t आ गया यहाँ से 5 सेकेंड, ये वाली बात आप नोट कर लें, तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ चुका, जो आपसे पूछा था कितने टाइम तक रहेगा, तो वो है भाई 5 सेकंड तक। इसका लास्ट पार्ट क्या था, हमसे कह रहा है कि इसकी ट्रेस कर दो, इसको ट्रेस कर दो, ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस बॉल, भाई ट्रेस करनी है तो आपको सिंपल सा पता है कि ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी, फिर जो मोशन हो रही है वर्टिकल में हो रही है, और वर्टिकल एक्सिस को आप क्या बोलते हो, वाई एक्सिस बोलते हो, तो आपके पास y एक्सिस में क्या फॉर्मूला चल रहा है इस टाइम, हाइट जो है वो y एक्सिस में चल रही है, तो ये आपके पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ जी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर y का तो आपके पास इक्वेशन है, हाइट जो है वो y एक्सिस में चल रही है ठीक है, लेकिन x एक्सिस में क्या चल रहा है, यहाँ पर x एक्सिस में कुछ भी नहीं चल रहा, जब कुछ नहीं चल रहा, एक ही डायरेक्शन में मोशन आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं मोशन, दिस मोशन अकर्स इन 1D, इससे ये पता लग रहा है कि जो मोशन हो रही है वो ये 1D में हो रही है, क्योंकि y का तो कोऑर्डिनेट है लेकिन x का हमेशा 0 है, तो इसका मतलब एक ही एक्सिस में हो रही है, इट मीन्स मोशन, या फिर
ट्रेस ट्रेजेक्ट्री ऐसे लिख दो, इट मीन्स ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन इन वाई एक्सिस। ठीक है भाई, वाई एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो जो आपसे पार्ट पूछे थे वो आपने सॉल्व कर दिए, निहायत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको उड़ा सकते हैं चाहें तो।